हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो गाइज, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 से, और अभी मैं जा रही हूँ, मतलब मैं, पूजा और ये हिमानी जा रहे हैं हमीरपुर। वैसे मैं किसी को सरप्राइज़ देने के लिए जा रही हूँ कहीं और, बट फिलहाल के लिए निकले हैं हमीरपुर के लिए। और अभी रास्ते में और पैदल चल रहे हैं भाई, कसम से काफ़ी दिनों बाद इतना मतलब पैदल चलना पड़ रहा है, थक गई हूँ। और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही अल्टीमेट है, क्योंकि गांव जो हमारा घर है गांव में, वो मतलब एक बहुत अच्छी लोकेशन में है, तो आपको भी दिखा देती हूँ मैं बैक कैमरा से। तो भाई, ये है हमारे यहाँ का बैक, मतलब जो हमारे यहाँ पे मतलब गांव में घर है, तो यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब जो वेदर है और जो वातावरण है यहाँ का, वो बहुत ही अल्टीमेट है और ठंडा ठंडा है। और आप देख सकते हैं भाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं यहाँ पे, फ़ोन में थोड़े छोटे छोटे से नज़र आ रहे होंगे, बट काफ़ी हाइट है इन पहाड़ों की। इवन हम खुद पहाड़ के ऊपर से जा रहे हैं, तो चलो। और ये है भाई, मतलब कच्चा रोड जो लिंक रोड घर के लिए मतलब बनाया हुआ है, लोगों के घर के लिए, तो ये है। बाकी चला हुआ है और चले हुए हैं हम। वही देखिए, अब हम मतलब पहाड़ से थोड़ा नीचे को उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देखो कैसे, मतलब थोड़ा डरावना सा रास्ता है, क्योंकि अकेले जाने में तो यहाँ पे डर लगता है, क्योंकि देखो आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल मतलब ऐसे इसके अंदर से जाना पड़ रहा है हमें, जैसे भूत बंगला होता है ना, जो क्या कहते हैं उसको यार, वो आजकल चले नहीं हुए हैं शहरों में, बनाए हुए हैं मॉल्स में, बड़े बड़े मॉल्स में क्या होते हैं यार, वो भूतिया से, वो क्या, हाँ वैसा वैसा कुछ। तो ये देखो हम बीच बीच में से जा रहे हैं, और ऊपर से सारी झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं, ये देखो हमारे ऊपर से झाड़ियाँ, और बीच में से ये रास्ता, छोटा सा रास्ता। तो ये होती है पहाड़ी लाइफ, मतलब एक पहाड़ों में जीना, मतलब यार वैसे तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, बट कई बार जैसे थोड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है यहाँ की, तो ऐसे ऐसे जाना पड़ रहा है। देखो और ये देखो भी रास्ता जो है वो अभी तक मतलब वैसे ही का वैसा ही है, तो आगे थोड़ा सा पानी भी आने वाला है, आपको पानी भी दिखाऊंगी मैं यहाँ से। और देखो ये देखो नीचे खाई भी है, नीचे देखो खाई, लोगों ने गंद गुंद फेंका हुआ है यहाँ पे, और झाड़ियाँ भाई, शेर ना जे, कसम से आजकल वो शेर भी आ रहे हैं यहाँ। और हाँ सच में, कल परसों दीदी को मिला था, वो घास लाने गए थे ना, तो उनको मिला था। मिर्ग। तो वही देखो, ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ इस साइड की हैं जहाँ से हम जा रहे हैं। वैसे तो यार मैं गाड़ी में ही जाती हूँ हमेशा, बट आज मुझे जाना है बाई बस, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वो थोड़ी लोकेशन ज़्यादा दूर है, तो अकेले फिर घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे गाड़ी में, तो इसलिए भाई मुझे जाना पड़ रहा है बस में। तो ये देखो यहाँ की इतनी झाड़ियाँ हैं, और ऊपर गाय भी आ गई वाइट वाइट कलर की, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये रहा वो पानी, मैं आपको बोल रही थी ना पीछे की, आपको दिखाऊंगी मैं पानी, आगे पानी आने वाला है। ये है वो पानी, जब बरसात चढ़ती है तो यहाँ से मतलब निकलना, पैदल जाना बहुत ही औखा हो जाता है। और ये रहा पानी, बट आजकल थोड़ा कम पानी है, तो मतलब ऐसे चल पा रहे हैं हम। अदरवाइज ऊपर से भी एक रास्ता है, थोड़े ऊपर से जाके वहाँ पे पुली पड़ी हुई है, वहाँ से भी जा सकते हैं। अकेरी गाय भाई, है ना, धूप सेक रही है, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है ना। अभी रास्ता कौन सा, इधर से जाना या इधर से जाना? फाइनली गाइज, अभी हम पहुँचने वाले हैं सड़क के पास। हाय, तो अभी मतलब थोड़ा सा रास्ता जो है वो रह गया है, तो बीच में वीडियो स्किप कर दी थी, क्योंकि फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती ना,
तो इसलिए आपको यात्रा स्टार्ट होती है भाई ऑटो से। गाड़ी हमारी ऑटो तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए मतलब बस के जहाँ पे रोड है वहाँ पे, और बस कर रहे हैं अभी बस का वेट। तो देखते हैं कब तक बस आती है, तब तक हमारे पास है इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार। फाइनली गाइज मुझे बस मिल गई है उना के लिए, और उना से आगे मुझे लेनी पड़ेगी बस और अमृतसर के लिए। तो अभी तो उना से ही बस मिली है, अभी पहुंचना है भाई, अभी बज रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 1:25 और अभी मुझे जाना है अमृतसर। तो 8 घंटे तो यहाँ पर लग ही जाएंगे, हैं कब तक पहुँचते हैं। फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ ऊना में, और अभी बज रहे हैं शाम के 5:14 मतलब 5:15 हो रहे हैं, और मैं अभी ऊना में पहुंची हूँ। तो लेट्स सी अमृतसर में कितने बजे पहुंचती हूँ। ये है ऊना का बस स्टैंड और काउंटर नंबर 19 के पास पहुंची हूँ, मतलब यहाँ पे बस लगेगी ऊना अमृतसर के लिए, होशियारपुर के लिए, फिर वहाँ से भी बस चेंज कर लेगी। कितने लग रहे यार, थोड़ा थोड़ा सर जैसे मैंने शेर घूम रहा है यार वॉमिटिंग से। पता क्या मैं पहला मैंने शक होया, मैं क्या रंजू ने लगता कि दीदी भी कह लगे हाँ रंजू, मैं क्या हैगी तो पागल हैगी, ओदा कोई भरोसा नहीं, आ सकदी है ते सरप्राइज भी दे सकदी। क्या कहंदे नहीं नहीं पागल कहंदे, रंजू आएगी तैनू फोन करेगी, मैनू थोड़ी करेगी फोन। हां अच्छा, फिर मैं पता नहीं कौन हो सकदा, बस सस्पेंस ही रही है मैं सारा दिन, काम भी नहीं किया अज फिर मैं कोई। तो भाई गुड मॉर्निंग व्यू कुछ इस तरह से है अमृतसर का, और सूरज चाचू भी जाग चुके हैं, मुझे तो लगा हिमाचल वाले हाल हैं यहाँ पे, बट नहीं, यहाँ पे धूप आ चुकी है। तो गाइज मैं आई थी अपनी बुआ भाभी और दादी को सरप्राइज करने, बट ये सरप्राइज मेरे लिए ही हो रहा है कि वो मुझे सरप्राइज करने इधर आ रही है, वैसे उनको पता नहीं है कि मतलब मैं आई हुई हूँ, बट आई एम सो सरप्राइज। दस रात्रि बड़ी आई ना, क्या लग रहे सारे करने नमस्ते बुबू जी, कदों आई सरप्राइज। देखो इतना बड़ा सरप्राइज, सही है रे सच्ची। हां नहीं सपना है, हाथ लग देख ले ये क्यों, कब आए हो, कब आए हो, सीरियसली नहीं पता था, नहीं पता था मुझे खाना काका काका यही है दिखाती हूं, वीडियो शूट कर रही हूं।
अभी नीचे है। इनको नहीं पता कहाँ है वो, उसको पता लग गया भैया को। हाँ नहीं पता अभी क्या है। बढ़िया आप सुनाओ। बहुत बहुत बधाई हो आपको, तनु भी बहुत बहुत। आ गया आ गया, आना पे मैंने पीछे रह, पीछे रह। हाँ आ रहा है, आया नहीं हल्ले, पता नहीं कितने गया। आंदा पे बीर इधर आयो यार। हाँ देखियो नूर मंगदी भी कुछ। हाँ नूर छोटी करवा दिया तूने। देख लो।